हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ऑल फॉर्मूलाज ऑफ अ वेक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम जितने भी फॉर्मूलेज हैं चैप्टर वेक्टर्स के, सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने ये वीडियो में सारे जो फॉर्मूलेज है उसको बताया हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट को बताया, उसको कैसे यूज़ करना है, कुछ जगह पर उसको भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर। अगर आपको वेक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये जो भी वेक्टर्स के फॉर्मूलेज है ऑल फॉर्मूलेज इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने दोनों ही वीडियो को अच्छे से देख लिया स्टूडेंट्स, तो आप जो चैप्टर्स हैं वेक्टर्स उसको बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर कर लीजिए, उसके बाद सारे जो फॉर्मूलेज ऑल फार्मूला ऑफ अ वेक्टर का ये वीडियो देख लीजिए, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आप उसके बाद ट्राई करिए, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। जो सारे वीडियोज़ हैं स्टूडेंट्स, तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑल फार्मूलाज ऑफ वेक्टर, और इसके बाद सारे एक्सरसाइज जो हैं एक्सरसाइज ऑफ अ वेक्टर्स, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ओके स्टूडेंट। तो प्लीज़ ये वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपको पहले फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है, और जितने भी सारे फॉर्मूले हैं आप उसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ शॉर्ट में आपसे डिस्कस किया था, उसके बाद हम सारे फॉर्मूलेज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूलाज है, ठीक है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट भी हमारे पास फार्मूला है। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा सेक्शन फार्मूला, सेकंड है हमारा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, थर्ड है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्थ है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर हम इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगला है फिफ्थ वन रहेगा हमारा एरिया एंड वॉल्यूम, और अलग अलग फार्मूलेज है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो ये पांच पॉइंट्स है, इसके अंदर जितने भी फार्मूलेज है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से ये जो फॉर्मूलेस है समझ में आ जाएंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेक्शन फार्मूला, देखिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास सेक्शन फार्मूले के फॉर्मूला है, एक एक करके हम डिस्कस करते जाते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक एक करके हम हर एक चीज़ समझते हैं, वेक्टर ए क्या है, बी क्या है, एम क्या है, एन क्या है, वेक्टर आर क्या है, इंटरनली डिवीजन क्या है, ओके। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, ये तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, देख के बहुत इजी लग रहा है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई एक दो पॉइंट है, पॉइंट ए स्पेस में कोई दो पॉइंट हमने लिया हुआ है, ए और बी लिया हुआ है, ओके। अभी ये दोनों ही पॉइंट को हमने जॉइंट कर दिया तो हमारा लाइन सेगमेंट बन गया, तो अभी ये क्या बन गया है, लाइन सेगमेंट बन गया, ओके। तो अभी क्या बोल रहा है ये फर्स्ट फॉर्मूला, क्या बोला, इंटरनली डिवीजन, ठीक है। तो अभी जो हमारा लाइन सेगमेंट ए और बी है, ये लाइन सेगमेंट पर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है कहीं पर भी, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ज़रूरी नहीं मिड में है, कहीं पर भी वो हमने एक पॉइंट ले लिया, इसे हमने पॉइंट हमारा इसे आर दे दिया, ठीक है, ओके। अभी हमें विद द हेल्प ऑफ वेक्टर हमें इसे इसका इंटरनल डिवीजन फाइंड आउट करना है, ओके। अभी यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये जो ये ए आर हमारा वेक्टर है और आर बी हमारा वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, ए आर ये जो आर है वो ए और बी को डिवाइड करता है, तो ये ए बाय आर इन अ रेशियो ऑफ, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया एम बाय एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एम है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एन है, ठीक है। ये हमारा m हुआ, ये हमारा n हुआ, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, m और n क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ये हमारा रेशियो है जो r डिवाइड कर रहा है किसको, a और b को,
इंटरनली डिवीजन मतलब ए और बी के बीच में कहीं पर वो पॉइंट हमारा आर है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से हमने ड्रॉ किया वेक्टर ओ ए, यहाँ से हमने ड्रॉ किया वेक्टर ओ बी, और यहाँ से हमने ड्रॉ किया वेक्टर ओ आर, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर हमने कंसिडर किया ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार है, आर का पोजीशन वेक्टर आर बार है, ओके। ये हमारा वेक्टर है ओ ए ओ आर, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए, अभी हमें क्या चाहिए, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, वेक्टर आर। आर क्या है हमारा पॉइंट, इंटरनल डिवीजन है, ए और बी को इंटरनली डिवीजन कर रहा है, कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको वेक्टर आर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करना है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, आपको रेशियो पता होना चाहिए, ए बी जो सेगमेंट है उसको पॉइंट आर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेस टू एन, तो ये हमारा एम होगा, ये एन होगा, एम और एन कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर होगा, ठीक है। ए क्या है, पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर है, बी क्या है, पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर है, और आर क्या है, आर इज अ सॉरी आर बार क्या है, पोजिशन वेक्टर है किसका, पॉइंट आर का, ओके। तो अभी देखिए, अभी ये सब चीज़ें हमें पता चल गई है, हम फॉर्मूले पुट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, वेक्टर आर पता चल जाएगा। वेक्टर आर पता चल गया तो ये जो पॉइंट है वो हम पॉइंट आर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर वाइसा वर्सा कोई भी टर्म मिस है, सपोज़ यहाँ पे एम मिसिंग है तो हम ये फॉर्मूले के हेल्प से सारे टर्म्स इसमें पुट करेंगे, एम फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज़ एन मिसिंग है तो सारे टर्म्स फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले में पुट करके एन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर क्या है, हमारा जो पॉइंट है इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए और बी को, उसका पोजिशन वेक्टर है। ए और बी क्या है, पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर ए है, पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर बी बार है, ओके। तो ये सब चीज़ें पता है आपको, इसमें पुट कर लीजिए, आपका इंटरनल डिवीजन मतलब पॉइंट आर मिल जाएगा, पोजिशन वेक्टर मिलेगा, उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए एक्सटर्नल डिवीजन, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। अभी यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन क्या है उसको हम समझते हैं, और ये फॉर्मूला क्या क्या है वो हम देखते हैं। देखिए वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट, एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, ठीक है। सारे टर्म्स ऑलमोस्ट वैसे ही रहेंगे, लेकिन केयरफुली देखिए क्या है, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पर हमने पॉइंट ए लिया, यहाँ पर हमारा पॉइंट बी है, दोनों ही पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी बन गया है, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन है। अभी ए पॉइंट ए और बी पर एक्सटर्नल डिवीजन है मतलब क्या है, पॉइंट जो लाइन हमारा ए और बी है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, यस, ठीक है। पॉइंट जो R है वो एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल मतलब जो पॉइंट लाइन A और B के बीच में नहीं है, वो उसके बाहर कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, ओके। एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में समझिए स्टूडेंट्स, इंटरनल डिवीजन आपको ध्यान रखना A और B के बीच में कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है, एक्सटर्नल मतलब A और B के बीच में नहीं होगा, उसके बाहर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सपोज इसको नाम दे दिया R, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो हमारा वेक्टर AR सेम डायरेक्शन में है और वेक्टर बी आर सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया जो ए आर है सपोज ये डायरेक्शन में और बी आर हमारा सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। अभी इनका रेशियो देखिए, जो ए टू बी यहाँ मतलब जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा एम है, ओके। और यहाँ से लेके पॉइंट बी से लेके पॉइंट आर का जो डिस्टेंस है वो हमारा एन है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या है, m रेस टू n, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ए आर इज m, बी बी टू आर हमारा क्या है, ये n है, ठीक है। जब एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ए टू r हमारा m होगा और बी टू r हमारा n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो हमें पता चल गया, m रेस टू n रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है सपोज हमने कंसीडर किया ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार है और आर का पोजीशन वेक्टर आर बार है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन से हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया है ओ ए ओ आर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, राइट।
देखिए स्टूडेंट्स, अभी जब एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा, जब पॉइंट जो हमारा है जिसे हमें फाइंड आउट करना है वो हमारे लाइन सेगमेंट के बाहर होगा, बीच में नहीं, कहीं पर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, क्या हो जाएगा, आर क्या है हमारा, जिस पॉइंट का, जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है उसका पोजीशन वेक्टर है, एम, एम क्या है हमारा, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, एम रेस टू एन, ये क्या है, रेशियो, रेशियो क्या है, ए और बी को जो डिवाइड कर रहा है आर, किस रेशियो में कर रहा है, एम रेस टू एन में डिवाइड कर रहा है, और बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये सब चीज़ें हमें पता है, हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, दिस, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा, एक बार आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन, ये हमारा क्या मिल जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे m और n क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, b और a वेक्टर, a a और b क्या है हमारा, a और पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो प्लीज़ ये सारे फॉर्मूले आप केयरफुली नोट करके रख लीजिए, ओके, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, वेक्टर r इज इक्वल्स टू a वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2, अभी मिड पॉइंट फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइड करेगा कि इंटरनल करेगा, मिड पॉइंट मतलब पॉइंट कहीं पर बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें आप केयरफुली, यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, इससे हमने दोनों को ज्वाइन किया, हमारा सेगमेंट क्या बन जाएगा, ए बी सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब अभी ए और बी को बीच में, सेंटर में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट हमारा, सपोज ये आर है, ठीक है, और ये जो डिवाइड करेगा वो उसका जो रेशियो होगा सेम होगा, 1/1 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे m हमारा क्या होगा, 1 होगा, n हमारा क्या होगा, n होगा, क्योंकि दोनों को वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे ओरिजिन हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हमने वेक्टर बना दिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, a और a, यहाँ पे हमारा जो वेक्टर ए आर और आर बी है वो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए आर का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है, ए आर डैश आर बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो अभी देखिए ये हम ये फॉर्मूले पुट करेंगे, एम हमारा 1 होगा, एन हमारा 1 होगा, क्योंकि इंटरनल डिवीजन, ये भी इंटरनल डिवीजन का ही पार्ट है, ठीक है, तो एम की जगह पे 1 रखोगे, एन की जगह पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1:b, 1:1 a, तो हमारा ये टर्म मिल जाएगा a प्लस बी, ठीक है, तो जब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, r क्या हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर a, पॉइंट a से हमें पोजीशन वेक्टर a मिलेगा, पॉइंट b से हमें पोजीशन वेक्टर b मिल जाएगा, और r से हमारा पोजीशन वेक्टर r मिल जाएगा, ठीक है, तो एक बार जब आपको पोजीशन वेक्टर आर मिल गया तो उसका हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो पॉइंट आर हमारा क्या होगा, बहुत इजीली हम पॉइंट आर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ उसका हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है, वेक्टर जी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाय 3, ठीक है, तो ये अभी हम ये फॉर्मूले के हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देखो वेक्टर जी मतलब हमने क्या किया हुआ है, सेंट्रॉइड जो है हमारा उसे हमने वेक्टर जी से इंडिकेट किया हुआ है, ए वेक्टर ए बी सी क्या हमारे पॉइंट्स हैं, उसका पोजीशन वेक्टर है बाय 3, तो अभी ये फॉर्मूले के हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, ओके, देखिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किया ए, इसका पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किया बी, इसका हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, सी है, ओके, अभी हम क्या, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पॉइंट होता है उसके अपोजिट साइड का हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है मिड पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ से ये अपोजिट से हमने एक मिड पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ, इसके अपोजिट साइड से हमने एक मिड पॉइंट पर एक अपोजिट साइड पर एक मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ, ये हमारा मीडियन होता है, ये दिस इज मीडियन, दिस इज मीडियन, दिस इज मीडियन, ठीक है, तो देखिए ये जो तीनों ही पॉइंट हमारे जो मिलेंगे वो हमारा सेंट्रॉइड होता है, ओके स्टूडेंट्स, तो
तीनों जो मीडियन है उसका जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा मीडियन होता है। और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो मीडियन है वो उनका जो रेशियो होगा ये 2:1 का ही होना चाहिए। ठीक है, ये 2:1 है, ये 2:1 है, ये 2:1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड। इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिख दिया, वेक्टर जी लिख दिया। ओके, तो देखिए अभी सारे टर्म्स यहाँ पर हम पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है, ए बी सी हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। ओके, और आपको जी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए बी सी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और ये फॉर्मूले पुट कर देंगे। उसको सिंप्लीफाई करोगे आपको वेक्टर जी मिल जाएगा, वेक्टर जी मिल जाएगा, उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, हमें पॉइंट सेंट्रोइड मिल जाएगा ऑफ अ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल। आपको ध्यान रखना है जो ट्राइंगल है उसका जो रेशियो है, किसका रेशियो, मीडियन का, 2:1 का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अभी सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लेन शेप होता है और टेट्राहेड्रन क्या होता है, सॉलिड शेप होता है। सॉलिड शेप मतलब उसमें क्या होता है, चार ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, चार ट्राइंगल होते हैं, उसका डायग्राम थोड़ा यहाँ मेरे लिए डिफिकल्ट है बनाना, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ। ओके, तो टेट्राहेड्रन क्या होता है, ये है टेट्राहेड्रन का डायग्राम। ठीक है, इसमें देखिए ये जो बेस में है एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल उस साइड रहेगा, एक ट्राइंगल लेफ्ट साइड रहेगा और एक ट्राइंगल सामने के साइड रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास चार ट्राइंगल है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो चारों ट्राइंगल है उसका जो सेंट्रॉयड होगा, ये इसका सेंट्रॉयड यहाँ पर होगा, इसका सेंट्रॉयड यहाँ पर होगा, इसका सेंट्रॉयड होगा और सामने वाले का सेंट्रॉयड एक होगा। ठीक है, तो अभी किसी भी हम यहाँ से हमने ये इसके सेंट्रॉयड पर ये पॉइंट से हमने ये सपोज ये ए बी सी और ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट हमारा डी है। ठीक है, तो अभी बी से हमने इसके अपोजिट जो ट्रायंगल है उस पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया और किसी भी दो पॉइंट से लेके यहाँ से हमने इस पर लाइन ड्रॉ किया, तो जो दोनों ही लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन होगा। ठीक है, तो अभी याद रखना स्टूडेंट, जो सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन है इसका जो हमने मीडियन बनाया हुआ है, ये लाइन से यहाँ पर ड्रॉ किया, ये लाइन से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, जो इंटरसेक्ट करेंगे ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, वो उनका रेशियो क्या होना चाहिए, 3:1 का होना चाहिए। ओके, और जो चारों ट्राइंगल है उनका जो मीडियन है वो 2:1 में, जैसे यहाँ पर देखा 2:1 में उसका मीडियन डिवाइड होगा। ओके, तो ज़्यादा आपको ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना स्टूडेंट्स, सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका सॉलिड शेप होगा, ये चार पॉइंट्स है ए बी सी डी, मतलब चार ट्राइंगल है। ओके, तो चारों ही जो पॉइंट्स है उसका हमने पोजिशन वैक्टर लिख दिया, ये हमारा पोजिशन बी हो जाएगा, पोजिशन वैक्टर सी हो जाएगा और ये पॉइंट पोजिशन वैक्टर डी हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको जी सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, ओके, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या है, वेक्टर जी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बाई 4, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ अ सेंट्रोइड मिल जाएगा, उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो सेंट्रोइड होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये फॉर्मूला भी लिख के रख लीजिए आप, सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन और ये हो गया सेंट्रोइड ऑफ अ एनी ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट, अभी देखिए जो ये 6 है यहाँ पर हमने दो फार्मूला लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब आपको रेशियो नहीं पता है, रेशियो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है तो आप कंसिडर करोगे उनका रेशियो क्या है, k:1 में ही डिवाइड करना है, k:1 ही आपको कंसिडर करना है। ठीक है, इंटरनल डिवीजन हो या फिर एक्सटर्नल डिवीजन हो, आपको करना क्या है, हम कंसिडर करेंगे उनका जो डिवीजन होगा वो k:1 के रेशियो में ही डिवाइड हो रहा है। ओके, जब इंटरनल डिवीजन होगा तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, वेक्टर r इज इक्वल्स टू के इंटू वेक्टर b प्लस वेक्टर a, यहाँ पे a के साथ 1 है, ओके, अपॉन k प्लस 1। जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू के बी बार माइनस ए बार अपॉन k माइनस 1,
के इज वॉट एनी कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, सेम ठीक है, इंटरनल है एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है, और आपको रेशियो नहीं पता है और आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, के रेस टू वन में ही कंसिडर करेंगे कि वो के रेस टू वन में डिवाइड कर रहा है। ओके, जब इंटरनल डिवीजन होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, और जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये यूज़ होता है बहुत सारे जगह पर, यूज़ होता है बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, और जब CET या फिर JEE करोगे तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स क्या करिए आप, ये हमारा क्या हो गया, सारे जो सेक्शन फार्मूले के फार्मूलेस हैं ये हमने लिख लिए, उसको हमने समझ भी लिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने सेक्शन फार्मूला देखा, अभी हम आगे देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करते हो तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम दो टाइप के प्रोडक्ट देखेंगे ऑफ वेक्टर, एक तो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा और एक तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर, या फिर आप उसे क्या बोलोगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ अ टू वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फार्मूला हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी एनी टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी। अभी देखिए जो वेक्टर ए और बी है उनके बीच का कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, कोई भी थीटा हो सकता है, जीरो हो सकता है या 90 डिग्री हो सकता है, या फिर पाई हो सकता है, पाई बाई टू हो सकता है, ठीक है, एनी डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ओके। देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय, तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला है। A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इन डॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए ऑफ एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यहाँ पे जो भी वेक्टर ए दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर बी दिया रहेगा उसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर ए होता है उसे हम ए भी लिख सकते हैं, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है हम उसे बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए को हम ए लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम बी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह पे हम ए और बी पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं किसी भी दो वेक्टर का, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपको क्या मिलता है, कांस्टेंट टर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, स्केलर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्केलर। अभी जब आप दो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, यहाँ पर देखिए अगले फॉर्मूले में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकेंड फार्मूला क्या दिया हुआ है, ए और बी, मैंने दो दिया हुआ है, आई और जे और के, हमें पता है ये यूनिट वेक्टर है ऑफ अ गिवन, जो भी डायरेक्शन दिया रहता है उनका, एक्स वाई जेड जो भी दिया रहेगा उसका। तो अभी इन जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ और के को के के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है उसका वन होता है। मतलब आई डॉट आई आपको बोला हुआ तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन। जे डॉट जे बोला है उसका वैल्यू क्या होता है, वन। के डॉट के बोला है उसका क्या होता है, वैल्यू वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका वैल्यू क्या मिलेगा, वन। वन क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर, इसके हम स्केलर नंबर भी बोलते हैं। अभी देखिए जब आई को जे के साथ और आई को के साथ, या फिर जे को के साथ, ठीक है, मतलब अलग अलग यूनिट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर के साथ जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो उनका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, वन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वन मिल सकता है या फिर जीरो मिल गया, ठीक है। ये दोनों वन और जीरो क्या है, दोनों ही स्केलर नंबर है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, ठीक है,
आगे हम इसको एग्जांपल में देखेंगे। तो आपको अभी क्या याद रखना है, जब भी हम दो प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो उससे हमें कांस्टेंट नंबर मिलेगा, स्केलर मिलेगा। स्केलर मतलब कांस्टेंट नंबर ही मिलता है, ठीक है, उसके साथ वेरिएबल नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, जब भी हम दो प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या, कांस्टेंट नंबर मिलता है, ठीक है, उसे हम स्केलर भी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें कांस्टेंट नंबर मिलता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट फार्मूला देखा कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका बेसिक फार्मूला इज दिस, ठीक है। उसे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ए लिख सकते हैं, बी को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम बी लिख सकते हैं। ये एज अ प्रॉपर्टी आपको आगे काम आएगी स्टूडेंट्स, याद रखना, ठीक है। और अभी यूनिट वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, आई को आई के साथ डॉट वन होगा, जे का जे वन होगा, के वन होगा। लेकिन जब आई को जे और आई को के या फिर जे को के मतलब अलग अलग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला देखिए क्या है, बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ओनली, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं, या फिर उसके यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी। देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों का मीनिंग सेम होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है दो वेक्टर के बीच का, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हमने लिखा हुआ है चीज़, ओके। तो आप इसे प्लीज़ नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। आप अच्छे से उसको लिख करके सारे प्रॉपर्टीज़ को याद कर लीजिए, समझने की कोशिश कम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है, उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में चीज़ आने लगेंगी, ठीक है। उसके पीछे ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, आपको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है और सिर्फ एज अ फॉर्मूला उसको अप्लाई करना है, ठीक है। ज़्यादा आप सोचोगे उसके पीछे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, सोचो मत, ठीक है। वो फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, हमने अप्लाई करना है बस, ठीक है। अभी नेक्स्ट फोर्थ में देखिए और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, उसको भी हम लर्न कर लेंगे, ओके। अभी देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड आउट करोगे और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए फाइंड आउट करोगे, जो दोनों का वैल्यू होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं वेक्टर ए डॉट बी के जगह पे बी डॉट ए करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी करोगे और वेक्टर बी डॉट ए करोगे तो उनका वैल्यू सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 3 × 4 करते हैं और 4 × 3 करते हैं तो इनका जो वैल्यू आता है वो सेम आता है, मतलब ये दोनों सेम है आपस में, 3 × 4, 4 × 3। वैसे ही आपको याद रखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा वेक्टर बी डॉट ए से, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ओके। नेक्स्ट बी देखिए, इफ़ वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन बी है, मतलब जो ये दोनों के बीच का जो डिग्री है वो 90 डिग्री है, मतलब पाई बाय 2 है, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके देखना चाहोगे तो ये हमें ए डॉट बी क्या मिल जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अभी ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी कॉस थीटा है, ठीक है। अगर हमने थीटा के जगह पे, थीटा क्या है हमारा, एंगल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे हमने 90 पाई बाय 2 रखा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर हमने ये फॉर्मूले में थीटा अगर पाई बाय 2 रखा तो कॉस थीटा क्या होता है, ज़ीरो, जीरो इंटू एनी टर्म ज़ीरो। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब ए और बी परपेंडिकुलर है आपस में तो ए डॉट बी क्या होगा, ज़ीरो होता है, ओके। नेक्स्ट अभी देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे, जैसे अभी देखिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पर भी हम यहाँ पर ही देखते हैं, ठीक है। ये कौन से कंडीशन में मिलेगा, जब हमारा दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों सेम वेक्टर है, मतलब सेम लाइन है, तो इनके बीच का जो एंगल है, एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़ीरो होगा, ठीक है। अभी इनके बीच का एंगल क्या है, ज़ीरो है, ठीक है।
तो यहाँ पे वेक्टर ए मतलब ए है, बी मतलब हमारा ए है, दोनों ही वेक्टर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट्स क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर पुट कर ली, ए हमारा वेक्टर ए है, बी हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, तो अभी हमने ये फॉर्मूला, ये दोनों सेम है, इसमें पुट किया, तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। जब हमने थीटा जीरो पुट किया, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। तो ए इंटू बी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए ए हमारा ए है, बी हमारा ए है, ठीक है, जो दोनों ही वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों ही हमारा सेम वेक्टर है। जब दोनों सेम वेक्टर होगा तो ही जाके उनके बीच का जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वेक्टर ए भी हमारा ए है, वेक्टर बी भी हमारा बी है, तो मतलब बी की जगह पे भी हम ए ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा जीरो लिया, कॉस थीटा जीरो वन हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वन इंटू बी। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे पुट किया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के जगह पे हमने क्या यूज़ किया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, वेक्टर ए कब ज़ीरो होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कब ज़ीरो होगा, जब दोनों ही वेक्टर सेम होंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। वेक्टर ए हमारा ए है, वेक्टर बी हमारा बी है, ठीक है, तो इनके दोनों जब वेक्टर सेम होंगे तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करते हैं, वेक्टर ए इज़ अ ए, वेक्टर बी इज़ अ ए, ठीक है, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या हमारा ज़ीरो, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वेक्टर ए यूज़ करेंगे, तो ये वन हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए का स्क्वायर, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये डिराइव हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना है। ठीक है, दो वेक्टर जब सेम होंगे तो उनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा, तो हम ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ए डॉट ए को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको याद रखना है दो वेक्टर सेम है, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू, उसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये मिलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट डीप प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर ए दिया हुआ है इज दिस, वेक्टर बी दिया हुआ है इज दिस, जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी, ए वन डॉट ए बी वन, ए टू डॉट बी टू और ए थ्री डॉट बी थ्री मिलेगा। ठीक है, और ये जो नंबर मिलेगा ये कांस्टेंट ही मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा, बाकी का जो टर्म है वो ज़ीरो होगा। मतलब जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सपोज अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आई डॉट आई वन हो जाएगा, क्या बचेगा, ए डॉट ए इंटू बी बच गया, तो यहाँ पे ए इंटू बी आई डॉट आई डॉट आई वन हो गया। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आई और जे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आई डॉट के, यहाँ पे लिखा हुआ है आई डॉट के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। इसके साथ हमें ए वन बी वन मिल गया, अभी देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जे डॉट जे वन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए टू और बी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जब के आई और जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, के डॉट के वन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए थ्री बी थ्री इंटू वन। ठीक है, तो हमें ए डॉट बी का ये हमें कोई भी कॉन्स्टेंट मिल सकता है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आगे हम जाके सब जगह यूज़ होगा। ठीक है, तो आई डॉट आई वन होगा, आई जे ज़ीरो हो जाएगा, आई के ज़ीरो हो जाएगा, जे डॉट आई ज़ीरो हो जाएगा, जे डॉट के ज़ीरो हो जाएगा, जे जे इंटू जे हमें कॉन्स्टेंट नंबर मिल ए वन मिलेगा, ये इसके साथ और इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा, इसके साथ हमें
कॉन्स्टेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी देखिए ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, हमें नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करना है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, दिस डॉट दिस प्लस दिस डॉट दिस, इसका डॉट प्लस ये इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट जैसे हम ओपन करते हैं वैसे ही किया हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ फार्मूला देखिए, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है, दो फार्मूले हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये कहीं कहीं पे यूज़ हो जाता है, प्रोजेक्शन आपको पूछेगा तो आपने ये जस्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। ठीक है, ए ऑन अ बी बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी, और जब बोला हुआ है प्रोजेक्शन बी ऑन ए तो हमने क्या करना, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जब बी ऑन ए रहेगा तो यहाँ डिनोमीटर में ए आएगा, जब ए ऑन बी रहेगा तो यहाँ पे डिनोमीटर में वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज़ है आप है ना इसको याद कर लीजिए, इसको समझने की कोशिश कम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको सिर्फ याद रखना है इसका मतलब ये होता है, ये भी होता है, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम होता है। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, इसे हमने कोशिश नहीं करना है समझने की, आपको सिर्फ याद रखना है कौन से कंडीशन में क्या होता है। अगर आपको वो चीज़ें याद है तो बहुत इजीली आप इसे वेक्टर का जो चैप्टर है आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे का देखते हैं। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, अभी नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर देखा, अभी हम क्या देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर को देखिए स्टूडेंट्स, हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हमारा स्केलर प्रोडक्ट को हमने डॉट प्रोडक्ट बोला था, वैसे ही आपको वेक्टर प्रोडक्ट को यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और डॉट प्रोडक्ट में मतलब हमने डॉट मल्टीप्लाई करना है, मतलब दो वेक्टर के बीच में डॉट रहेगा, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस रहेगा, क्रॉस रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट के जो भी प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलेज है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए और बी कोई दो वेक्टर प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उनके बीच का जो एंगल बनता है, ठीक है, तो एट एनी थीटा, वो इंक्लाइंड एट एनी थीटा, तो देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो उनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो क्या होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके लिए स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने देखा, अभी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जब दो वेक्टर ए और बी दिया, उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, एंगल कोई भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, एनी डिग्री, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो उनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और देखिए स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने इसके जब बेसिक कॉन्सेप्ट थे वहाँ पर उसका फॉर्मूला देखा हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो इसका जो फर्स्ट वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर, मैंने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट में देखा था, डॉट प्रोडक्ट में ए का मैग्नीट्यूड को हम ए लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड को हम बी लिख सकते हैं, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, ए इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जब आपका दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम ये यूज़ करते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी इसी पर ही बेस्ड हम कुछ और फॉर्मूलेज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको दो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन में दिया हुआ है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी लिख सकते हो, या फिर दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हम दोनों ही वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट्स, इसे आप समझिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम बी लिख सकते हैं, ए और बी हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर होगा, ए और बी हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। अगर हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हो बी दिया हो, तो हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे।
ठीक है, अगर ए और बी हमें डायरेक्टली उसका दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ओके नेक्स्ट, अभी देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, अभी जब हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था स्टूडेंट्स, ओके, तो डॉट प्रोडक्ट हमें ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, लेकिन आपको याद रखना है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। इसको मैं अभी डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ, और वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जब दो सेम वेक्टर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो उसका वैल्यू जीरो आता है। जैसे हमने जे डॉट जे देखा था, वन डॉट प्रोडक्ट वन आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। आपको ध्यान रखना है दो सेम प्रोडक्ट का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पर एक डायग्राम बताता हूँ, अगर आप डायग्राम को ध्यान से समझोगे तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कोई प्लेन है, यहाँ पर हमने कोई प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, ये प्लेन पर हमने दो वेक्टर लिया है, वेक्टर ए लिया है, वेक्टर बी लिया हुआ है। दोनों ही जो वेक्टर ए और बी है वो एक को लीनियर, मतलब लीनियर नहीं है। ओके, को लीनियर नहीं है, ओके, कहीं पर भी हो सकते हैं रैंडमली। ओके, तो ये वेक्टर ए और बी, ये जो प्लेन है वहाँ पर दो वेक्टर कहीं पर भी हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये जब ये दोनों वेक्टर ए और बी का जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, जब हम क्या करेंगे, ए और बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उससे जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन होगा, जो प्लेन है उस पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, या फिर वो अपवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना। अभी सपोज़ ये मेरा प्लेन है, तो ये प्लेन ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर हो सकता है, या फिर नीचे की तरफ भी परपेंडिकुलर होता है, ऊपर की तरफ होगा मतलब ये हमारा पॉजिटिव होगा, अगर ये नीचे की तरफ होगा तो वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, जब आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होगा मतलब क्या होगा वो, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस बी क्रॉस ए मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव, ये जब ऊपर की तरफ है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, या नीचे की तरफ है तो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलती है, एक तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव डायरेक्शन पे मिलेगा, या फिर हमें नेगेटिव की तरफ मिलेगा। ये जो वेक्टर होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये दोनों का जो डायरेक्शन होगा ये अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो देखिए, अभी हम तो उनका जो साइन होगा वो माइनस होगा एक का। ठीक है, अभी हम यूनिट वेक्टर से समझने की कोशिश करते हैं, ये कोई वेक्टर एन वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा एन वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, ये हमने कंसीडर किया, ये हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप है, यहाँ पे इसका एन कैप क्या है, प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी एन कैप की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एन कैप नेगेटिव हो जाएगा, एन कैप क्या मिलेगा हमें, माइनस वन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर प्लस वन होगा, यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर माइनस वन होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब हमारा पॉजिटिव की तरफ होगा तो ये हमें ए क्रॉस बी पॉजिटिव मिलेगा, और जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो उसे हम क्या लिखेंगे, माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, माइनस बी क्रॉस ए, जो देखिए यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये दोनों सेम होंगे लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो ये डायग्राम याद रखोगे, ये डायग्राम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। ठीक है, जब हम दो वेक्टर सेम प्लेन में है उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी, ऊपर एक, ये दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक अपवर्ड हो सकता है, एक डाउनवर्ड हो सकता है, जो अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, जो डाउनवर्ड है वो हमारा नेगेटिव होगा, उसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये जो डायग्राम है उसे इरेज करके हम इसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मूलेज है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, फोर्थ हमने क्या डिस्कस किया, ए क्रॉस बी सेम, जब दो सेम वेक्टर रहेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, उस पर ही बेस्ड हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखा, अभी हम दो यूनिट का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। ठीक है, जब दो वेक्टर सेम है, दो यूनिट वेक्टर सेम है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट में हमने ऐसा नहीं देखा था। ठीक है, और जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, आई डॉट जे तो के होगा, के डॉट जे तो आई होगा, के डॉट आई इज इक्वल्स टू जे हो जाएगा। ठीक है, जब रिवर्स डायरेक्शन में घूमेंगे, यहाँ पे क्या था,
आई से जे गए तो के मिला, के से जे गए तो आई मिला, आई से के गए तो जे मिला, तो सारे पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जे डॉट आई तो माइनस के मिलेगा, के डॉट जे माइनस आई मिलेगा, आई डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस आई माइनस के मिलेगा, के क्रॉस जे माइनस आई मिलेगा, और आई क्रॉस के माइनस जे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट है, जे से आई जा रहे हैं तो माइनस के मिलेगा, आई से के जा रहे हैं तो माइनस जे मिलेगा, और के से जे की तरफ जाएंगे तो माइनस आई मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है, यूनिट वेक्टर के लिए आपको याद रखना है। उसके लिए बेसिक आपको याद रखना, जब दो सेम प्रोडक्ट होगा उसका क्रॉस, जब दो वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये ज़ीरो होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, जब दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस, अभी इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये हमें आगे बहुत सारी जगह पे यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी ये दोनों ही वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट, डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या आई जे के है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, यूनिट वेक्टर लिख देंगे आई जे के, डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट आई जे के। अभी पहले यहाँ पर ए है, तो ए का हम कोएफिशिएंट जो है वो लिख लेंगे, आई के साथ जो है ए वन, जे के साथ जो है ए टू, और के साथ जो रहेगा वो ए थ्री रहेगा। तो पहले हम यहाँ पे हमने ए लिखा हुआ है, तो हम वेक्टर ए का जो कोएफिशिएंट है ए वन ए टू ए थ्री उसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे बी है, बी वेक्टर बी, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, बी वन बी टू बी थ्री, हम उसे लिख लेंगे। ठीक है, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में मिलेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है स्टूडेंट्स, इसको लिख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये भी हमें एज अ प्रॉपर्टी लर्न करके रखनी है, बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है आपको सब अच्छे से याद कर लेना है, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताया है वो केयरफुली नोट करिए, आपको समझ में बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, कैसे यूज़ करते समय जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सारे जो क्वेश्चंस हैं वेक्टर्स के हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए अलग सारे जो भी एक्सरसाइज है उसके। ठीक है, तो अगर आपको वो फॉलो करना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाए स्टूडेंट, सारे एग्जाम्पल वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे फॉर्मूलेज का, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फोर्थ हमारा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस पर बेस्ड हम फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, केयरफुली देखिएगा, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, जो हमें बहुत ही हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, इफ़ ए बी सी आर थ्री एनी थ्री वैक्टर्स, देन वैक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, यहाँ पे तीन वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी तीन वेक्टर दिया हुआ है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी तीन वेक्टर दिया उसको आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट, इसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये बॉक्स है वेक्टर ए बी और सी, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब ये बॉक्स प्रोडक्ट और ये दिस इज कॉल्ड, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम मिलेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी तीन वेक्टर दिया हुआ है, दिस एंड दिस एंड दिस, और आपको बॉक्स प्रोडक्ट या फिर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ व्हाट, यहाँ पे पहले क्या ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का कोएफिशिएंट लिख लेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ व्हाट, वेक्टर कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए, फिर क्या है यहाँ पे बी, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी, फिर क्या है यहाँ पे सी, कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों ही जो वेक्टर्स हैं उनके कोएफिशिएंट लिख देंगे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, जो आंसर आएगा तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, वेक्टर ए बी एंड सी, या फिर उसका हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी सी, बॉक्स ऑफ वेक्टर ए बी सी, इसे हम बोलते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ऐसे केयरफुली नोट कर लीजिए। नेक्स्ट,
देखिए ये प्रॉपर्टी है, जितनी भी है प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू होगा बी सी ए इज इक्वल्स टू होगा सी ए बी, ठीक है। मतलब जो साइकिल है ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी, फिर सी टू ए, जो साइकिल है, ठीक है, तो आप इनका पोजिशन चेंज कर सकते हो इन ए बी सी के साइकिल में, ठीक है। फिर ये सी ए बी, तो ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, इनका जो हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे स्केलर टेपर प्रोडक्ट, सब सेम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, बी ए सी, इसको हम इज इक्वल्स टू ए बी सी या फिर बी सी ए या फिर सी ए बी नहीं लिख सकते। जो बी ए सी अगर इसका इंटरचेंज हुआ तो क्या उसे हम इज इक्वल्स टू ए बी सी या फिर बी सी ए या फिर सी ए बी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नहीं पॉसिबल है। अगर आपको करना है, अगर आपको करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज मुझे इसे बी सी ए करना है या फिर ए बी सी करना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उनका जो है साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बी सी ए लिखा हुआ है, ठीक है, यही टर्म हमने लिखा हुआ है, तो अभी मैं उसे बी सी ए लिख सकता हूँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसका पोजीशन चेंज किया, जब अभी भी हम वेक्टर का पोजीशन चेंज करेंगे नेगेटिव साइन करेंगे, आपको ये प्रॉपर्टी है ध्यान रखना है, ठीक है। इस ये दोनों का हमने पोजीशन चेंज किया तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिल गया, बी सी ए मिल गया, बी सी ए मिल गया, राइट। नेक्स्ट अभी देखिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब हम पोजीशन चेंज करते हैं दो वेक्टर का तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये नोट करके रखिए, ओके। नेक्स्ट अभी देखिए, जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। जब दो वेक्टर सेम होते हैं या फिर जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं या फिर जब दो वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। जब दो वेक्टर्स सेम होते हैं या जब दो वेक्टर को लीनियर होते हैं या फिर जब वेक्टर्स को प्लेनर्स होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, सॉरी बॉक्स प्रोडक्ट होता है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इज इक्वल्स टू जीरो आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नोट करके रखना स्टूडेंट्स, ओके। क्या मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, जब दो वेक्टर्स सेम हैं, दिस आर सेम, ओके, या फिर जब दो प्रोडक्ट को लीनियर है या फिर जब दो प्रोडक्ट आर को प्लेनर है तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ओके। नेक्स्ट अभी देखिए, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, हम इसका जो इंटरचेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हम इनका जो जो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ओके। ए बी सी में ही रहेगा, ए बी सी में ही रहेगा, लेकिन इनका जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है वही सिर्फ चेंज होगा, दिस दिस एंड दिस, ओके। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द वेक्टर ए बी सी इज जीरो वेक्टर्स देन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब ए बी सी, हमारा ए बी सी में से कोई भी एक वेक्टर ज़ीरो होगा, ओके, तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो देखिए ये सब हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी और फॉर्मूलाज देखा, जो किसके लिए यूज़ करना है, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास कुछ और भी फॉर्मूलेज है, वॉल्यूम है और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, ठीक है, वो भी मैं आपको इसी में लिख के देता हूँ, आप उसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे का फॉर्मूला देखें। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम बचे हुए जो फॉर्मूलेज है वो देख लेते हैं। एरिया पर बेस्ड फॉर्मूला है हमारा, वॉल्यूम पर बेस्ड हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ए बाई बी डिटरमिनेंट्स ऑफ अ व्हाट, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल में वेक्टर ए सी और वेक्टर ए बी पता है, तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे और उसका 1/2 कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसके बाद देखिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बोला हुआ है, दूसरा फॉर्मूला है 1/b ए क्रॉस ए वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके, जो भी कंडीशन हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दो हमारे पास दो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये अलग कंडीशन के लिए यूज़ करेंगे, अलग कंडीशन के लिए यूज़ करेंगे, जो एज पर जो भी गिवन कंडीशन हमारा दिया रहेगा वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग द एजेस एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर उसका हमें दोनों एडजेसेंट साइड पता है,
मतलब एडजेसेंट मतलब लगे हुए दोनों साइड्स, ये या फिर ये या ये या फिर ये दोनों साइड पता है, तो हम क्या कर सकते हैं उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हमें ए और बी पता है तो हम क्या करेंगे, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जब हमें दो एडजेसेंट साइड पता होगी तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। या फिर हम दूसरा फॉर्मूला देखें, अभी एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग द डायगोनल, अभी हमें डायगोनल पता है, पैरेललोग्राम हमें पता है उनका डायगोनल पता है, D1 और D2 पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, उसका डिटरमिनेंट्स करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी और ये भी। ये अलग कंडीशन के लिए है, ये अलग कंडीशन के लिए। ये कब यूज़ करेंगे, जब दो एडजेसेंट साइड पता है, और ये कब यूज़ करेंगे, जब दो डायगोनल हमें पता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखिए, ये है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलो पाइप। ठीक है, और ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन। ठीक है, जो एरिया ऑफ अ पैरेलो पाइप क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा पैरेलो पाइप दिया हुआ है, उसका जो एडजेसेंट एजेस ऑफ एजेस दिया हुआ है, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, अगर आपको पता है एजेस ऑफ अ पैरेलो पाइप पता है तो उसका आप डॉट प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए और वो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलो पाइप मिल जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन। ठीक है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी हमारा ये सेम साइड ऑफ अ एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है, एजेस ऑफ अ साइड्स, तो 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर वेक्टर्स के जितने भी फॉर्मूले थे वो आज हमने देखे हैं, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट था उस पर हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट, जितने भी फॉर्मूले आज हमने डिस्कस किए हुए हैं, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आप एक पेज पर उसे लिख लीजिए और सारे फॉर्मूलेज को लर्न कर लीजिए, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एक बार जब आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली आप ये जो चैप्टर्स वेक्टर है बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर था वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर क्या है, कैसे है, क्या करना है, वो हम वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आज की ये वीडियो में हमने सारे जो फॉर्मूलेज ऑफ वेक्टर्स था वो हमने देख लिए। ठीक है, दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको दोनों ही वीडियो आपने देख लिया है तो वेक्टर्स के सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही आराम से कर पाओगे। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो वेक्टर्स का जो चैप्टर्स है उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप इसका सारे फॉर्मूला कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबके सब वीडियोज आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ आप स्टूडेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लिंक फॉलो करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट करिए, सारे फॉर्मूलेस करिए और सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।